हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट सेशन। आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। यू ऑल आर अवेयर कि हर साल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बुक्स या ऑथर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं और उनकी कौन कौन से बुक्स हैं वो देखने वाले हैं। पहले ऑथर जो हैं वो हैं आर के नारायण। बहुत ही पॉपुलर राइटर और काफ़ी पुराने राइटर हैं ये। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एंड इनको फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी कुछ पॉपुलर बुक्स हैं वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, अ टाइगर ऑफ मालगुड, द इंग्लिश टीचर, अ हॉर्स एंड टू गोट्स, द पेंटर ऑफ साइन, और लास्ट इज द डार्क रूम। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, बट मैं वही आपको बुक बता रही हूँ जो कुछ पॉपुलर हुई हैं। ये टॉपिक इतना वाइड है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। जो भी पॉपुलर राइटर्स होते हैं आप देखोगे उनकी 10+ बुक्स मिलेंगी। उसके बाद हर साल बुक्स जो हैं वो रिलीज़ होती रहती है, तो कुछ होती है करंट अफेयर वाली बुक, कुछ होती है स्टैटिक जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो हम बहुत पुरानी है लेकिन आज भी वो फेमस है या आज भी एग्ज़ाम्स में उससे क्वेश्चन आते हैं। देन कुछ बुक्स होती है मिलिट्री से रिलेटेड, जैसे वॉर्स वगैरह या ऑपरेशन जो होते हैं उसके ऊपर लिखा गया हो। फिर कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ होती है। देन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो होते हैं वो भी अपने ऊपर कभी कभी बुक लिखते हैं, लोग उनके ऊपर कोई बुक लिख देते हैं। तो बुक्स अगर आप देखोगे तो आपको अनलिमिटेड बुक्स मिल जाएंगी। एंड ये वन ऑफ दोज टॉपिक्स है कि आप जितना भी पढ़ लो उतना कम है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ बुक्स मैंने यहाँ डाली है, इसके अलावा भी और भी बुक्स हैं, तो आप पहले इतना याद कर लो वो इनफ है, ठीक है। ये एक्चुअली एक साउथ इंडियन राइटर हैं और वहाँ पे एक प्लेस है मालगुड़ी, तो मालगुड़ी की कहानियाँ जो हैं ये इनकी सबसे फेमस बुक है, ओके। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह। ये एक इंडियन ऑथर है, लॉयर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट एंड साथ ही एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। इनने जो ये बुक लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सबसे पॉपुलर बुक है। और जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब उससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये बुक लिखी थी। इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है। इनकी और भी बुक है जैसे कि वाई आई सपोर्ट द एमरजेंसी, देर इज़ नो गॉड एंड द सनसेट क्लब। फिर इंदिरा गांधी के ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी है, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो ये दो तीन बुक्स जो हैं ये डेफिनेटली आप याद कर लेना। नेक्स्ट है मल्क राज आनंद। ये भी काफ़ी पुराने राइटर हैं, 1905 में ये बॉर्न हुए थे। और जो इनकी फर्स्ट नॉवल थी अनटचेबल, यही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि 1935 में पब्लिश्ड हुई थी। एंड इसके बाद इनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक रही है वो है कूली द विलेज, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है। सेवन समर, द रोड एंड द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये सारी इनकी नोटेबल बुक रही हैं। कूली और अनटचेबल ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण और इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी मिला है, तो ये तीन अवार्ड भी मिले हैं। तो उससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये कितने प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, इनको तो सबको ही जानता होगा। अब आप बोलोगे ये इंडियन नहीं है, लेकिन ये इंडियन है, ये एंग्लो इंडियन ऑथर हैं, ठीक है, इंडिया में ही रहे हैं। और इनकी जो भी आप बुक्स देखोगे वो ज़्यादातर इंडिया के ऊपर ही इन्होंने लिखी है। इनकी जो पहली नॉवल थी वो यही द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, और ये कब पब्लिश हुई थी 1956 में, और इसके लिए इनको प्राइज़ भी मिला था, एक अवार्ड भी मिला था। उसके बाद से अगर आज तक आप देखोगे तो इन्होंने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुकी हैं और 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी है। और ज़्यादातर ये जो बुक्स लिखते हैं वो बच्चों के लिए लिखते हैं। इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है। और कौन कौन सी पॉपुलर बुक है इनकी, A Flight of Pigeon, Delhi is Not Far, The Night Train at Diwali, A Gallery of Rascals, The Cherry Tree and The Blue Umbrella. ये जो बुक है द ब्लू अम्ब्रेला, इस पर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। नेक्स्ट है केकी एन दारूवाला। ये एक पोएट हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, और जो भी इनकी राइटिंग्स है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही है। ये एक फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1984 में, इनकी जो पोएम की कलेक्शंस हैं उसके लिए, ठीक है। सो कौन कौन सी पोएम या शॉर्ट स्टोरी है इनकी, द मैप मेकर पोएम, अ हाउस इन रानीखेत, द स्केयर काउ एंड द गोस्ट, द कीपर ऑफ द डेड एंड क्रॉसिंग द रिवर, ये कुछ इनकी नोटेबल शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम है।
इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी पोएम्स, बट ऑफ कोर्स सारे याद करना पॉसिबल भी नहीं है और सारी बुक्स या पोएम इंपॉर्टेंट भी नहीं होती हैं किसी भी ऑथर की। जो बुक्स या पोएम जिनकी वजह से उनको अवार्ड मिला है वो आपको पता होना चाहिए एंड जो मोस्ट पॉपुलर रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऑथर हैं हमारे मनोहर मालगोंकर। ये ऑथर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों ही लिखते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। ये आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं इनकी वो है स्पाई इन अंबर, अ बेंड इन द गंगास, बैंडिकूट रन एंड कैक्टस कंट्री। अ बेंड इन द गंगास जो ये बुक है 1964 में आई थी और ये इनकी सबसे पॉपुलर बुक है। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन ऑथर्स। क्यों? बिकॉज इनको बुकर प्राइज़ मिला है, मैन बुकर प्राइज़, जो इनकी फिक्शन बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। एंड अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये बुक 1997 में रिलीज़ हुई थी और तब इनको प्राइज़ मिला था। नॉट ओनली बुकर प्राइज़, इनको उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, लाइक सिडनी पीस प्राइज़, नॉर्मन मेलर प्राइज़। एंड राइटर तो हैं ही, साथ में ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। और कौन कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी, लिसनिंग टू द ग्रास हॉपर एंड ब्रोकन रिपब्लिक। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी बुक्स हैं और उसमें से कुछ बुक्स कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहती है। इन्होंने कश्मीर एंड आज़ादी को लेकर भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लाइक कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन। ये इनकी रीसेंट बुक ही थी एंड इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। अरविंद अडिगा जो है ये नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और इनको भी मैन बुकर प्राइज़ मिला है इनकी बुक के लिए द वाइट टाइगर। इस बुक पे मूवी भी आई थी, हालांकि ये प्राइज़ जो है 2008 में मिला था, मूवी काफ़ी सालों बाद आई एंड उसकी वजह से एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। अरविंद अडिगा जो है ये एक राइटर भी है और जर्नलिस्ट भी है एंड ख़ास बात ये है कि जो ये इनकी बुक है द वाइट टाइगर, ये इनकी डेब्यू नॉवल थी, मतलब फर्स्ट नॉवल थी, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने काफ़ी सारी नॉवल लिखी है, लाइक बिटवीन द असैसिनेशन, लास्ट मैन इन द टावर एंड सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे भी काफ़ी पॉपुलर बुक है। ओके, नेक्स्ट है किरण देसाई। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, अगर फीमेल की कैटेगरी में देखा जाए तो बहुत ही कम फीमेल इंडियन ऑथर्स है जो बहुत ही रिनोन्ड है एंड शी इज़ वन ऑफ देम। इनको भी बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, इनको नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी मिला है फॉर द फिक्शन बुक। इनकी जो ये बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, और ये बुकर प्राइज़ इनको कौन से ईयर में मिला था? 2006 में। एंड 2015 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन वुमेन के जो टॉप 20 लिस्ट होता है उसमें ऐड किया था। इनकी 5-6 बुक्स हैं और उसमें से ये दो बुक काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा भी और एक बुक है इंडिया पैक और एम्बल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक बुक है, ठीक है। तो ये कौन सी बुक है? हुला बालू इन द गुआवा ऑर्किड। नेक्स्ट है विक्रम सेत। ये भी नॉवल लिखते हैं, साथ में पोएम भी लिखते हैं। इन्होंने बहुत सारी नॉवल एंड पोएट्री लिखी है एंड इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान और WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड, और साथ में इनको क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी मिला है। US एंड कैनेडा से इनको फेलोशिप भी मिला है, तो इनको बहुत ही सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनकी जो सबसे पॉपुलर बुक है वो यही है, अ सुइटेबल बॉय। ओके, उसके बाद से द गोल्डन गेट, ये याद कर सकते हो, द इक्वल म्यूजिक, सुइटेबल गर्ल भी लिखी, देन टू लाइफ एंड देर इज़ वन मोर बुक, All You Who Sleep Tonight। तो ये सारी इनकी कुछ बुक्स हैं और इसमें से ये तीन आप पक्का याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं और इनके मोस्ट पॉपुलर वर्क्स जो हैं वो हिस्टोरिकल फिक्शन है। इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था एंड ये अभी कुछ सालों पहले ही मिला है 2018 में, ठीक है। एंड ये मैंने आपको वन ऑफ द वीडियोस में बताया भी था कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है उसको हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड या ऑनर माना जाता है इंडिया में। ज्ञानपीठ के साथ साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, डैन डेविड प्राइज और पद्मश्री भी मिला हुआ है। सी ऑफ द पॉपीज जो है ये इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक है, उसके बाद द ग्लास पैलेस, द कैलकटा क्रोमोजोम,
एंड रिवर ऑफ स्मोक। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है लाइक द हंग्री टाइड, द शैडो लाइन, गन आइलैंड, लेकिन दिस टू बुक्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट ऑथर है हमारे शशि थरूर। शशि थरूर जो है ये एक फॉर्मर डिप्लोमैट रह चुके हैं, पॉलिटिशियन हैं, राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं एंड 2009 से ये पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। इनको आप न्यूज़ वगैरह में काफ़ी देखते भी होंगे और इनकी स्पीचेस या जो भी इंटरव्यूज़ होंगे वो आपने देखा भी होगा, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं एंड ये जो राइटिंग्स हैं इनकी ये भी इंग्लिश में ही होती है। इनकी जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल या मोस्ट पॉपुलर बुक अभी रिसेंट में रही है वो यही है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सो यू मस्ट नो दिस। उसके बाद वाई आई एम हिंदू, ये बुक भी काफ़ी पॉपुलर है, द ग्रेट इंडियन नॉवल, शो बिजनेस और ये बुक है रायट अ लव स्टोरी। तो ये कुछ बुक्स हैं जो बहुत पॉपुलर रही हैं। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी बुक है, ऑलमोस्ट हर ईयर ये कोई ना कोई बुक लिखते हैं। नेक्स्ट है बीबी लाल, ये एक आर्कोलॉजिस्ट हैं और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1968 से लेकर 1972 तक। साथ ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है उसके भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने यूनेस्को की जो कमिटी है उसमें भी सर्व किया हुआ है, सो इसलिए इनकी आप बुक देखो सारी कैसी है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है या एंशियंट प्लेस से रिलेटेड है। तो क्या बुक है इनकी, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, ये फर्स्ट बुक है, द सरस्वती फ्लो ऑन एंड अनदर बुक हैज़ द इंदस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड। तो इंदस वैली के लिए ये बुक लिखा है कि इंदस वैली में जो स्क्रिप्ट्स पाए गए थे क्या उसको डिसाइफर किया गया है। तो इनकी सारी बुक्स इसी तरीके से है, और भी बहुत सारी बुक है, ऋग्वेदा के ऊपर भी है, द ऋग्वेदिक पीपल, महाभारत के ऊपर भी बुक लिखी है एंड जो भी बुक है वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन से ही मिलती जुलती है, ठीक है। बुक से ज़्यादा ये इसलिए जाने जाते हैं जो भी इन्होंने काम किया है इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट पे या महाभारत साइट पे या जो भी रामायण साइट है वहाँ के लिए। नेक्स्ट है आर सी मजुमदार, इनका पूरा नाम क्या है, रमेश चंद्र मजुमदार और ये एक हिस्टोरियन है और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनके जो भी नोटेबल वर्क है आप वो देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को लेके इन्होंने किया हुआ है। कोलकाता में ये शेरिफ भी रह चुके हैं, मतलब पुलिस भी रह चुके हैं। सो इनकी बुक कौन कौन सी है, एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, कॉरपोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया। तो सारी बुक इंडिया या हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो किसी भी आप एक ऑथर का देखोगे उनका लिखने का स्टाइल होता है या बुक लिखने का एक जॉनरा होता है तो वो उसी जॉनरे के अंदर ही लिखते हैं। लाइक कुछ राइटर्स होते हैं वो रोमांटिक स्टोरीज लिखते हैं, कुछ राइटर होते हैं वो हिस्ट्री के ऊपर लिखते हैं, कुछ राइटर होते हैं वो चिल्ड्रंस बुक लिखते हैं, जैसे हमने रस्किन बॉन्ड का देखा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी याद रख पा रहे हो ना, जैसे आपको पूरी बुक्स याद नहीं हो रही लेकिन आपको इतना पता है कि आर सी मजुमदार जो हैं वो ज़्यादातर हिस्ट्री से रिलेटेड बुक लिखते हैं, तो आप ऑप्शन देख के कहीं ना कहीं आंसर लगा लोगे, ठीक है। सो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे एक एक बुक याद करनी पड़ेगी, इतने सारे ऑथर्स हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, एक दो बार रिवाइज़ करो आपको खुद ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र भी एक हिस्टोरियन है, साथ में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेके इन्होंने ज़्यादातर काम किया है। इनको भी 2010 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इनकी बुक्स कौन कौन सी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, द एपिक स्ट्रगल एंड लास्ट बुक इज इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो बहुत ही पॉपुलर है एंड यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं इसको बहुत यूज़ करते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। नेक्स्ट ऑथर है संजीव सान्याल, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के और इन्होंने ही इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इंडिया का वो 2017 में करवाने में हेल्प की थी। इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक लिखी है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इज लैंड ऑफ सेवन रिवर, ठीक है, लैंड ऑफ सेवन रिवर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी। उसके बाद द इंडिया रेनेसेंस, द ओशन चर्न, एक और इनकी बुक है द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ये बुक भी
काफ़ी पॉपुलर है। तो ज्योग्राफी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इनका राइटिंग फील्ड रहा है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। सो ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटी हु डोंट नीड इंट्रोडक्शन। तो मेरे को इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबको इनके बारे में पता है। इनकी बुक्स तो इतनी सारी है कि मैं यहाँ पे ऐड भी नहीं कर सकती, लेकिन इसमें से भी कुछ मोस्ट पॉपुलर बुक्स है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जैसे कि द मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोरा, द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड कम्प्लीट वर्क। इसके बाद ये एक हिंदू मॉन्क थे, तो इनकी बहुत सारी बुक आप देखोगे योगा एंड मेडिटेशन पे भी हैं, ठीक है। देन इन्होंने भागवत गीता के ऊपर भी बुक लिखी है, जो भी ये टॉक्स देते थे उसके ऊपर भी लोगों ने बुक लिखी है, रिकॉर्डिंग्स इनकी, प्लस यूथ को इंस्पायर करने के लिए भी इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। सो कर्म योगी, ज्ञान योगी, राजयोगी, ये सब योगा के ऊपर है। मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, ये भी एक बुक है इनकी। देन देर इज़ वन बुक भागवत गीता एज व्यूड बाय स्वामी विवेकानंद। सो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ बुक, बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो इन्होंने खुद लिखी है, कुछ ऐसी बुक्स भी है जो लोगों ने इनके ऊपर लिखी है, ओके। नेक्स्ट है सी राजा गोपालाचारी। इनको हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, इनको हमने निकनेम में भी पढ़ा है, इनको सी आर या राजा जी के नाम से बुलाया जाता था। राइटर रहे हैं, लॉयर रहे हैं और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे हैं ये इंडिया के, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं तमिलनाडु के। इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है रामायण और महाभारत का इंग्लिश में, वो इनका बेस्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है देवदत्त पटनायक। ही इज़ अ माइथोलॉजिस्ट। माइथोलॉजिस्ट क्या होता है, जो मिथ की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये एक स्पीकर भी है, इलस्ट्रेटर भी हैं और साथ में ऑथर तो हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये ज़्यादातर लेजेंड या जो फोकलोर होते हैं, फेबल्स होते हैं। फेबल्स क्या होते हैं, ऐसी कहानियाँ जिसमें हमें लास्ट में कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती है, तो वो सारी स्टोरीज फेबल कहलाती है। फोकलोर जो मतलब नेटिव स्टोरीज जिनको हम कह सकते हैं, गांव वगैरह की कहानियाँ, ठीक है। तो वैसी चीज़ें ये ज़्यादा लिखते हैं, उस एरिया में इनका ज़्यादा वर्क हमें देखने मिलेगा। जैसे इनकी बुक है मिथ मिथ्या, ठीक है। देन द हनुमान चालीसा, विष्णु, सीता एंड इलस्ट्रेशन रिटेलिंग ऑफ द रामायण। नेक्स्ट इज अमीश त्रिपाठी। ये भी एक इंडियन ऑथर है और इनकी एक सीरीज़ थी शिवा ट्रायोलॉजी, ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सेलिंग बुक सीरीज़ मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना शिवा ट्रायोलॉजी एंड नेक्स्ट इज रामचंद्र सीरीज़। ये दो सीरीज़ में इनकी बुक निकली थी एंड दिस सीरीज़ आर कंसिडर्ड एज फास्टेस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया। बाकी इनकी बुक है द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा। ऑल दिस थ्री बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज चित्रा बैनर्जी। ये एक इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड पोएट है, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री और नॉवल लिखती हैं। मोस्ट पॉपुलर वर्क जो है इनका ये है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। एंड उसके बाद द पैलेस ऑफ इलस्ट्रेशन एंड क्वीन ऑफ ड्रीम्स, ये तीन इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट है प्रीति शिनॉय। तो ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों बुक्स लिखती है, साथ में इनको नॉमिनेट किया गया था फोर्ब्स का जो लिस्ट होता है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया था 2013 में। इनकी जो मोस्ट नोटेबल बुक्स है वो है इट्स ऑल इन द प्लैनेट, द सीक्रेट विश लिस्ट, द वन यू कैन नॉट हैव, इट हैपन फॉर अ रीज़न। ये बुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इट हैपन फॉर अ रीज़न। इनकी एक और बुक है लाइव इज़ व्हाट यू मेक इट, ओके। नेक्स्ट इज रविंदर सिंह। तो ये भी चेतन भगत की तरह ही हैं, ठीक है। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इन्होंने 9 नॉवेल्स लिख चुकी है। इनका जितना भी वर्क है वो सारा फिक्शन वर्क है। इनकी कुछ बुक्स यहाँ पे है आई टू हैड अ लव स्टोरी, कैन लव हैपन ट्वाइस, लाइक इट हैपन यस्टरडे, योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, नाउ अगेन डू नॉट थिंक सच बुक्स विल नॉट कम। चेतन भगत जो है वो भी कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी इन सब पे बुक्स नहीं लिखते हैं, पर उनकी बुक्स बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। सो आई हैव एडेड दिस स्लाइड फॉर अ रीज़न ओनली, बिकॉज वी नेवर नो एग्जाम में क्या आ जाए। एंड जब चेतन भगत की बुक्स आई है तो ये सिमिलर ऑथर है, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इनके बुक्स जो हैं उससे भी क्वेश्चन आ जाए, ओके।
नेक्स्ट है दुर्जॉय दत्त, ये एक ऑथर हैं, साथ में स्क्रीन राइटर भी हैं। अगेन ये भी उसी जॉनरा में लिखते हैं। तो इनके बुक्स क्या क्या है, ऑफकोर्स आई लव यू, ओ यस आई एम सिंगल, एंड वेन ओनली लव रिमेन्स। नेक्स्ट इज चेतन भगत, इनकी कौन कौन से बुक्स है, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ एंड 5 Point Someone। तो ये जो बुक है 5 Point Someone, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था, आई गेस 2016 या 17 में आपका ये क्वेश्चन आया था कि 3 Idiots जो मूवी है ये कौन से बुक पे बेस्ड है चेतन भगत की। तो इसका आंसर यही था 5 Point Someone। इनकी और भी बहुत सारी बुक्स है जिस पे मूवीज बन चुकी है, लाइक हाफ गर्लफ्रेंड पे भी बनी हुई है, 2 States पे भी बनी हुई है, और इनकी मोस्ट रीसेंट बुक कौन सी है, वो है 400 Days। ठीक है, 400 Days। नेक्स्ट है रवि सुब्रमण्यम, ये बैंकर हैं बाय प्रोफेशन एंड ये बुक्स पे लिखते हैं बैंकिंग और बैंकर्स के ऊपर। इनकी जो बुक है जिसको अवार्ड मिला है वो कौन सी बुक है, ये वाली द इनक्रेडिबल बैंकर और द बैंकस्टर, इन 2 Books के लिए इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। और भी इनकी एक बुक है गॉड इज अ गेमर एंड इफ गॉड वॉज अ बैंकर। ठीक है, तो ये 4 Books हैं इनकी। नेक्स्ट इज अनीता देसाई, वेरी इम्पॉर्टेंट, इनको 3 बार शॉर्टलिस्ट किया है बुकर प्राइज के लिए। ठीक है, इनकी कौन कौन से बुक्स है, अगेन बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, हाउ जेंटल द मिस्ट, द पीकॉक गार्डन, कैट ऑन अ हाउस बोट, विलेज बाय द सी, क्राई द पीकॉक, बॉयज इन द सिटी, बाय बाय ब्लैक बर्ड एंड वेयर शैल वी गो दिस समर। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी बुक्स हैं एंड ये सारी बुक्स आप देखोगे 1960 से 1980s के बीच में है, तो काफ़ी पुरानी बुक्स है, लेकिन अभी भी इन बुक को रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट है नसीम एजिकियल, ये पोएट तो हैं, साथ में एक्टर, प्ले राइटर एंड एडिटर भी रहे हैं। इनको भी पद्मश्री इन 1988 और साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 मिल चुका है। इनकी कौन कौन सी बुक्स रही है, हाइम इन द डार्कनेस एंड पोस्टर प्रेयर्स, नल्लनी, द स्लीप वॉकर, हु नीड नो इंट्रोडक्शन, मैरिज पोएम एंड सॉन्ग ऑफ डेप्रिवेशन। तो ये कुछ इनकी पॉपुलर पोएट्री रही है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री भी बोला जाता है। अगला है सरोजिनी नायडू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं INC की, देन गवर्नर भी रही हैं ये, नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको। कौन कौन सी बुक है इनकी, द टेम्पल, इंडियन वीवर, द प्लान क्वीन बियरर, ये बियरर होगा नॉट ब्रेबर। ठीक है, नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, बैंगल सेलर, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग। इनकी ये जो बुक है द विलेज सॉन्ग, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है। एंड नाउ यहाँ पे एक वर्ड आया है प्लान क्वीन, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको डोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पोएट्री है उन लोगों पे जो डोली को उठा के लेके जाते हैं। नेक्स्ट है विक्रम चंद्रा, ये भी एक इंडियन अमेरिकन राइटर हैं और इनकी जो फर्स्ट नॉवल थी वो थी रेड अर्थ, और उसी के लिए इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मिला था बेस्ट फर्स्ट बुक का 1996 में। ठीक है, सो ये जो बुक है इनकी रेड अर्थ, इसके लिए। उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी है पोरिंग रेन, एंड ये सीक्रेट गेम्स जो है ये भी इन्होंने ही लिखी है, जिसके ऊपर सीरीज भी बनी हुई है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो बुक है गीतांजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी बुक है, लाइक गोरा, द ब्रोकन नेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, साइकिल ऑफ स्प्रिंग, द फ्रिगेटिव एंड कर्ण एंड कुंती। ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, हमारी फ्रीडम मूवमेंट जो थे उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, ऑथर एंड पोएट तो हैं ही, साथ में ये प्ले राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह भी लिखे हैं, कंपोज़र भी हैं ये। हमारा जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, और बहुत अच्छे पेंटर भी रह चुके हैं। बंगाली लिटरेचर को भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रीशेप करा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी,
इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, लाइक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पहले भी आपका आ चुका है। उसके बाद ये भी ऐसे पर्सनालिटी है जिन्होंने बहुत सारी बुक खुद भी लिखी है और इनके ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। ये जो पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन सी बुक है इनकी, मोहनदास गांधी एसेंशियल राइटिंग्स, हिंद स्वराज द एसेंशियल गांधी एंड द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो यहाँ पे नहीं लिखी है, इसको लिख लेना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, 1947 में ही लिखी थी और ये भी मैंने किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। बाकी ये जो हिंद स्वराज बुक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1909 में ये बुक लिखी गई थी। और न्यूज़पेपर की मैंने बात की थी तो वो भी मैं बता देती हूँ, कौन कौन से न्यूज़पेपर इनके आते थे, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और एक और आता था हरिजन। तो ये कुछ तीन चार न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं जो बोलते हैं वीकली मैगजीन्स, वो इनके आया करते थे। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा, ये सबसे इजी है याद करने के लिए और ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। इन्होंने पंचतंत्र लिखी है और पंचतंत्र की सीरीज़ लिखते जाते हैं, मतलब उसमें स्टोरीज ऐड होती है, तो आपको ऐसे इंडिविजुअल याद नहीं करना, इनका बस एक ही याद करना है, पंचतंत्र, ठीक है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपने हिंदी की बुक में देखा भी होगा। अभी स्टार्टिंग में हम उन ऑथर्स को देख रहे थे जो इंडियन तो है लेकिन इंग्लिश में लिखा करते हैं, ये सारी आपने अपने हिंदी की बुक में देखा होगा बिकॉज ये लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। सो इनकी प्रोमिनेंट बुक है अनामिका, परिमल, गुंजन, जूही की काली, पोइट्रीज हैं ये सारी। एंड आई एम श्योर अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े हो तो आपने इनकी एक दो पोएम तो पक्का पढ़ी होगी। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पत, इनकी भी स्टोरीज हम NCERT में आराम से देख सकते हैं। इनकी कौन कौन सी बुक है, ज्योत्सना, युगवाणी, चितंबरा, पालय, ग्राम्या, तारापंत, स्वच्छान एंड एक बुक है काला और बुढ़ा चांद, ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, काला एंड बुढ़ा चांद। एज़ फॉर अवार्ड्स, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इस बुक के लिए, चितंबरा, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट है कुलदीप नायर, ये एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ऑथर तो हैं ही, साथ ही ये एक फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं इन यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने अपना काफ़ी समय एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर बताया है। इनको भी पद्म भूषण अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। इनकी कौन कौन सी बुक है, द जजमेंट, डिस्टेंट नेबर, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बिटवीन द लाइन, बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये कुछ इनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट है SH वात्स्यायन, एंड ये इनका पेन नेम है क्या, आगेया, ठीक है। इनकी कौन कौन सी बुक है, ये भी अगेन हिंदी लैंग्वेज में ही लिखते हैं और एक पायोनियर माने जाते हैं हिंदी पोइट्री के एज वेल एज फिक्शन के। तो इनकी बुक कौन कौन सी है, कितने नावों में कितने बार, आंगन के पार, द्वार, शिखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये कुछ इनकी प्रोमिनेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो बार बार एग्ज़ाम्स में आती रहती है, नॉट ओनली इन MNS, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आई है, वो है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी बुक है, इग्नाइटेड माइंड्स, गाइडिंग सोल्स, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन। साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन है, ये हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2002 से लेके 2005 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं, 11th नंबर के, ओके। अवार्ड्स की बात करें तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इनको भारत रत्न मिला है, हूवर मेडल मिला है, पद्म विभूषण मिला है, वीर सावरकर अवार्ड मिला है एंड पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। एंड एक ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है, सो इनको अराउंड 36 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने ऑनरी डिग्री दी थी डॉक्टरेट की, ठीक है, जो नाम के आगे डॉक्टरेट या डॉक्टर लगता है, इवन दो वो पर्सन डॉक्टर नहीं होते तो वो उनको ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट है EM फॉस्टर,
सो ये इंडियन ऑथर नहीं है, वैसे तो इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, बट इनकी एक बुक है अ पैसेज टू इंडिया, ये बुक पिछले बार एग्जाम में आई थी एंड ये बुक इंडिया से रिलेटेड है इसलिए इसको मैंने यहाँ डाला है। बाकी इनकी और भी बुक्स है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये बुक भी काफ़ी फेमस है, हार्वर्ड एंड्स एंड देर इज़ वन मोर बुक अ रूम विद अ व्यू। सो जैसे ये तीन बुक्स इनकी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है सुधा मूर्ति, अगेन इनकी भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। इनकी एक बुक जो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये भी एनसीईआरटी में है। देन देर इज़ वन मोर बुक वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, प्लस ये है कौन आपको पता होना चाहिए, शी इज़ अ एजुकेटर ऑथर फिलैंथ्रोपिस्ट, साथ ही साथ ये इन्फोसिस की चेयरपर्सन भी हैं, ठीक है। एक बुक और है इनकी ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरी, ये भी बहुत ही पॉपुलर बुक है, ठीक है। अगला है प्रेमचंद, इनको भी सब बच्चे जानते होंगे बिकॉज इनकी भी बहुत सारी स्टोरीज जो हमारी एनसीईआरटी हिंदी की होती थी उसमें पढ़ाई जाती थी। इनका जो रियल नेम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव और प्रेमचंद्र इनका पेन नेम था। इनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो है गोदान, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, मुझे आज भी याद है, वो चैप्टर था प्रेमचंद्र के फटे जूते। एंड एक और स्टोरी थी आई गेस नमक का दरोगा एंड दो बैलों की कथा। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं मेरे को आज भी अच्छे से याद हैं, सो काफ़ी अच्छे ऑथर रहे हैं। तो ये तो छोटे छोटे से चैप्टर हैं, बाकी इनकी बुक्स देख लेते हैं हम। संग्राम, निर्मला, गोदान, रंगभूमि, चौगने हस्ती, दारुल इशात एंड एक और बुक है इनकी ईदगाह। तो ये उर्दू और हिंदी दोनों में ही लिखते थे, ठीक है। एंड ये इतने पॉपुलर क्यों हैं, इनके चैप्टर्स जो हैं वो हमारे बुक्स में पढ़ाए क्यों जाते थे, ये जो भी फिक्शन लिखते थे वो सोशल फिक्शन हुआ करते थे, कहीं ना कहीं फैमिली की जो सिचुएशंस होती है उन सब से रिलेटेड ये लिखते थे, ठीक है। तो वो कहलाता है सोशल फिक्शन। नेक्स्ट है वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल को भी बुकर प्राइज मिला हुआ है 1917 में। इनकी एक नॉवल थी अ फ्री स्टेट, उसके लिए इनके जो सबसे नोटेबल वर्क रहे हैं वो यही है अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, एंड उसके बाद जिस बुक के लिए इनको प्राइज़ मिला है अ फ्री स्टेट एंड अ बेंडिंग रिवर, ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुकर प्राइज़ तो मिला ही है, साथ में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन 2001। ओके, बाकी दो बुक इनकी और है एन एरिया ऑफ डार्कनेस अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, शी इज़ ऑल्सो एन एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं लाइक ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड साहित्य अकेडमी फेलोज। इनको मॉडर्न मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मॉडर्न मीरा। इनकी कौन कौन सी बुक है, यामा, निहारिका, निराजा, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया, ये पोएम है, और श्रेष्ठ गीत। तो कुछ इसमें से पोएम है, कुछ इसमें से स्टोरीज है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी बुक्स है लाइक स्मृति की रेखाएं, रश्मि एंड मच मच मोर। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी कौन कौन सी किताब है, प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, द एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, भीमयाना एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सनैलिटी जिन्होंने इतनी सारी बुक तो खुद लिखी है, आज तक अभी तक इनके ऊपर बुक लिखी जाती है, ठीक है। मोस्ट रीसेंट बुक अगर हम देखें तो 2019 में इनके ऊपर लिखी गई थी। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन, बट डू कीप इन माइंड कि ये जो अभी हमने किया है ये सारी ओनली स्टैटिक बुक्स हैं, ठीक है। बाकी जो भी अभी रीसेंट बुक्स आ रही है वो मैं आपको करंट अफेयर में करवाती रहूँगी, तो दोज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ये मत सोचना कि यहाँ पे हमने 40-50 राइटर्स देख लिए इसी के अंदर से आ जाएंगे। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ओनली, ये टॉपिक इतना वास्ट है कि आप जितना करोगे उतना कम है। जैसे मैंने आपको सुपरलेटिव्स और ये सब करवाया था तो मैंने आपको बोल दिया था कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, इतना सा पढ़ लो हो जाएगा, बट बुक्स एंड ऑथर ऐसा टॉपिक है कि जितना पढ़ो उतना कम है। एंड येस, इफ़ यू फील लाइक दिस टॉपिक इज़ टू मच, अगर आपको लगता है कि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और मुझे इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है उसकी जगह मैं ऐसी चीज़ें पढ़ लूँ जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते, बट डू कीप इन योर माइंड कि टॉपिक आपको बहुत ही लिमिटेड स्किप करने हैं। अब
तो एक दो बार डेफिनेटली ट्राई करो। तो अगर आपको याद हो जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो दैट्स ओके। 80 में से अगर आपका 70 प्लस भी आ रहा है ना तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। सो हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो कर रहे हो वो अच्छे से करो कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो तो आप बिल्कुल छोड़ के ना हो। ओके, सो दैट इज़ इट। होपफुली यू फाइंड दिस सेशन बेनिफिशियल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।